गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसी है मेरी पहाड़ी यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले आपको प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तो धूप आ चुकी है, पहाड़ों में हो चुकी है बढ़िया सी सुबह, और आप कमेंट में बताओ कि आप उठे हो कि नहीं उठे हो अभी। तो आज बढ़िया धूप खिली है, मौसम एकदम साफ नजर आ रहा है। तो मैं अभी घर ही हूँ, पहले सुबह का शानदार नज़ारे आपको दिखाता हूँ जो मेरे घर से आ रहे हैं, और उसके बाद चलते हैं चौकटा साइड को। आप देख पाते हैं कि काम हमारा स्टार्ट हो पाता है नहीं हो पाता है। तो चलिए शानदार व्यूज दिखाता हूँ सुबह के टाइम में, आई होप आप लोगों को जरूर पसंद आएंगे। दोस्तों आज कुछ इस प्रकार के नज़ारे आ रहे हैं मॉर्निंग के समय में, लेकिन आज पाला बहुत गिरा हुआ है। नीचे देखिए पूरा आपको वाइट वाइट नज़र आ रहा होगा, ये देखिए ये सारा पाला है। धूप मस्त खिली हुई है, ऊपर देखिए ठाकुर बाबा टॉप में बर्फबारी हुई है थोड़ी। ये देखिए दोस्तों ठाकुर बाबा टॉप में बर्फ अटकी हुई है, और जो यहाँ रडार सा दिख रहा है इस तरफ को बर्फ अटकी हुई है। ये रामगढ़ का एरिया है, इसके जस्ट पीछे रामगढ़ और खपराड़ गागर ये एरिया आता है, तो यहाँ अच्छी खासी बर्फबारी हुई है काफ़ी दिनों के बाद। लगभग 3-4 दिनों के बाद आज बढ़िया धूप सुबह से ही खिली हुई है, बढ़िया क्लीन व्यू देखने को मिल रहा है। और गाय बच्चियाँ भी हमने बाहर बात दी हैं 3-4 दिन के बाद, क्योंकि इतने ठंड में गाय बच्चियाँ भी बाहर नहीं बात पा रहे थे, काफ़ी ठंडा हो रहा था और पाला भी गिरा हुआ है। तो चलेंगे आगे चकोटा के लिए। घर से तो निकल चुके हैं कच्चा लेक के लिए, मैं अभी जाऊँगा दूध की डेयरी पर और फिर जाना है चकोटा। और देखिए आज पाला कितना गिरा हुआ है, इतनी तो बर्फ भी देखने को नहीं मिली सफ़ेद जितना यह पाला देखने को मिल रहा है। अभी काफ़ी ठंडा हो रहा है अभी, ये देखिए पाले के नज़ारे सुबह के टाइम में। पाला बहुत गिरा हुआ है आज, क्योंकि मौसम क्लीन है, बढ़िया धूप आई हुई है, तो बादल रात को लगता है नहीं होंगे आसमान में, तो इस चक्कर से पाला ज़्यादा गिरा हुआ है। ये देखिए दोस्तों एकदम कितना पाला गिरा हुआ है यहाँ पर, ये देखिए ऐसा लग रहा है पूरी धरती जम चुकी है, सब कुछ जम चुका है। नीचे घास देख रहे हैं बारीक गिरी हुई है, ये जम चुकी है, मिट्टी तक जमी हुई है लगा लीजिए, इतना पाला गिरा हुआ है। ये बिच्छू घास की हालत देखिए। तो इस प्रकार का ठंडा हुआ है, इस प्रकार से पाला गिरा हुआ है, और ठंड इतनी कि जमा देने वाली ठंड, हाथ पैरों को सुन्न बना देने वाली ठंड। धूप आई है काफ़ी बढ़िया, लेकिन पाला जितना गिरा हुआ है आप समझ नहीं सकते जिस प्रकार का ठंडा हो रहा होगा अभी। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं रोड पे, ये देखिए भाई भी पहुंच चुका है नीचे मेन रोड भालूवाल वाटरफॉल। और मौसम देखिए कितना क्लीन मौसम है आज, बढ़िया धूप खिली हुई है, एक भी बादल अभी आसमान में नज़र नहीं आ रहा है। इसी कारण पाला गिरा हुआ है रात में इतना ज़्यादा, जिसका अभी सुबह सुबह काफ़ी ठंडा हो रहा है। जितनी भी ये सामने आपको धुंध हल्की सी दिख रही है सब पाले से उठ रही है। तो मैं पहुंच चुका हूं कसैली मार्केट पे, यह है सुबह कसैली मार्केट का नज़ारा, शांत माहौल अभी बना हुआ है। और ये देखिए सामने मुक्तेश्वर घाटी, विजिबिलिटी है अभी, और हिमालय जो इसके पीछे दिखता है वो दिख नहीं रहा है। और नीचे देखिए पाला कितना गिरा हुआ है, कम से कम 1 इंच पाला गिरा हुआ है आज, पूरा सवेरी नज़र आ रहा है। तो दोस्तों सुबह का टाइम है और फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ चकोटा साइड पे। आज होने वाली है यहाँ पे लेंटर की सेटरिंग, जो यहाँ पे लेंटर डलने वाला है, और ऊपर मिट्टी की खुदाई हो रही है, पीछे रिटेनिंग वॉल है उसकी खुदाई होगी। तो देखते हैं दिन भर कितना काम यहाँ पे आज हो सकता है। तो दोस्तों 1 बजे का समय हो रहा है, हम जा रहे हैं साइड से घर की तरफ को लंच करने के लिए। और देखिए अभी मौसम फिर से बादल भर आए हैं, एकदम काले बादल आसमान में। सुबह तो एकदम क्लीन धूप थी, और धीरे धीरे अभी दोपहर के 1 बजे के समय तक बढ़िया काले बादल आसमान में भर चुके हैं, लगता है फिर बारिश होगी। पहाड़ों के मौसम को हम समझ नहीं पाते हैं क्या होता है, कब क्या होगा। सुबह जिस प्रकार से बढ़िया धूप दिख रही थी, लग नहीं रहा था कि आज मौसम इस प्रकार ख़राब बनेगा। तो चलते हैं साइड पे, अभी लंच का समय हो चुका है, हम भी चलते हैं अपने घर की तरफ। तो मैं हूँ अभी चकोटा साइड में, जिस रोड से अभी जा रहा हूँ ये है परबड़ा चकोटा मेन रोड। तो चलते हैं घर की तरफ, दीपक भाई पहुँच चुका है काफ़ी आगे, ये देखिए वहाँ पहुँच चुका है। तो चलते हैं घर की तरफ, लंच करते हैं फिर यहाँ पर आएँगे। और इस चैनल की वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है हमें कमेंट में बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा इसी तरह के कंटेंट के लिए, और सपोर्ट ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों खूबसूरत मौसम के साथ चलते हैं घर की तरफ, हम जा रहे हैं घर की तरफ को। रास्ते में मिल गए हमें कुछ घोड़े बेचने वाले, ये देखिए इसी तरह पहाड़ों में लोग घूमते हैं यहाँ पे,
और जिनको भी घोड़ों की ज़रूरत होती है, जिनके रोडों से दूर घर होते हैं, वो घोड़े ख़रीद लेते हैं। कितने के हैं वाले? 16-16 हज़ार के से स्टार्ट हैं यहाँ पर घोड़े। व्यू देखिए, अभी दोपहर के समय में 1 बजे का टाइम हो रहा है। मस्त क्लाउड आ चुके हैं आसमान में, एकदम काले वाले बादल। और हमें जाना है, देखिए मैं थोड़ा आपको बताता हूँ, जो सामने वाली एरिया दिख रही है आपको, एक धार बोलते हैं हम, इस धार के पल्ली धार में हमने जाना है। और मैंने पूरा जूम कर लिया, पूरे जंगलों के बीच में एक हल्का सा मकान दिख रहा है, वहाँ हमने जाना है। तो चलते हैं दोस्तों यहाँ से, और आप लोगों को घोड़े कैसे लगे मस्त हमें कमेंट कर। दोस्तों लंच कर लिया हम, फिर से अब जाने लगे हैं चौकुटा की साइड पे, और देखते हैं शाम तक यहाँ पे कितना काम होता हो पाता है हम लोगों का। तो घर से तो आ गया हूँ मैं, थोड़ा सा रह गया है, रोड पे पहुँच जाते हैं, फिर चलते हैं चौकुटा की तरफ। आगे आगे दीपक भाई चला हुआ है, और मौसम देखिए, पूरे आसमान में बादल भरने लगे हैं। ये है अभी दोपहर 2 बजे का समय, और दोपहर 2 बजे इस प्रकार के व्यू आ रहे हैं। जिस प्रकार से सुबह पाला वाला गिरा था, ऊंची जगहों पर बर्फ़ गिरी हुई है, बादल लगता है इतना ठंडा हो रहा है, हम बता नहीं सकते, काफ़ी ठंडा हो रहा है आजकल। फाइनली दोस्तों लंच करके फिर से चकुटा साइड पे पहुंच चुका हूँ, और सेटरिंग का कार्य यहाँ पर जारी है, और जितनी जल्दी कार्य हो जाए तो लेंटर डल जाएगा, क्योंकि 2-3 दिन तो वैसे ही बारिश हो गई है, काम हो नहीं पाया। और साथ में पीछे देखिए, रिटेनिंग वॉल का कॉलम खोदा जा रहा है और मिट्टी फिलअप करी जा रही है, तो काम डिले हो गया था 2-4 दिन, तो फिर से काम शुरू हुआ है, और इस प्रकार आज यहाँ पर काम हो रहा है। और साथ में दोस्तों नीचे वाली एक साइड है रोड से नीचे, तो वहाँ पर भी अभी पत्थर डाला जा रहा है। ये देखिए, यहाँ से रोड से पत्थर उठा के नीचे वाली साइड पे पहुँचाया जा रहा है। तो सारा काम इसी प्रकार होता है पहाड़ों में, और सेटरिंग पूरी लकड़ी से हो रही है यहाँ पर। और देखिए व्यू काफ़ी मस्त आ रहा है अभी दोपहर के समय में, बढ़िया आसमान में बादल छाए हुए हैं, और धूप भी आई हुई है, हल्की धूप है, ठंड ज़्यादा है दोस्तों। तो काम यहाँ पे चला हुआ है, देखते हैं शाम तक छुट्टी के समय का और कितना काम हमारा यहाँ पे खींच पाता है। और जो ये साइड में बता रहा था जहाँ पे पत्थर डाल रहे हैं, ये देखिए नीचे है ये साइड, तो यहाँ पर रिटेनिंग वॉल की चिनाई करनी है, और साथ में यहाँ पे कॉलम डल चुके हैं, जिसका ब्लॉग मैं आपको दिखाऊँगा। और इस प्रकार यहाँ पर काम हो रहा है, ये हमारा सारा सामान आ चुका है लेंटर का। अभी शाम के 5 बज चुके हैं, और छुट्टी हो चुकी है चकोटा साइड से वर्करों की, और व्यू इस प्रकार का आ रहा है। अभी धीरे धीरे कोहरा आने लगा है सामने घाटी पे, देख सकते हैं आप, ये देखिए धीरे धीरे कोहरा आने लगा है। जो यहाँ पर आज काम हुआ दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये जो पीछे आप देख रहे हैं, पीछे 2 रिटेनिंग वॉल के कॉलम तैयार किए गए हैं, एक यहाँ पे किया गया है, एक यहाँ पे किया गया है, और फिर थोड़ा इस कॉलम, जो कॉलम देख रहे हैं वाला, इस कॉलम से आगे थोड़ा बुनियाद और खोदी जाएगी, और पीछे एक रिटेनिंग वॉल आनी है पूरी इस एरिया में, ये देखिए। तो इस एरिया में रिटेनिंग वॉल आती है, बाकी ये एरिया तो आपका बढ़िया आ ही जाता है। तो डेली व्लॉग डालते रहता हूँ दोस्तों। आज 2-3 दिन के बाद यहाँ पर काम हुआ, आप तो जानते हैं लगातार बारिश हो रही है, और नीचे हमारा सेटरिंग का काम चला हुआ है, तो अपना सारा सामान अभी यहाँ पर समेट रहे हैं हम लोग, तो उसके बाद निकलेंगे घर की तरफ। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी दिन भर की हमें ज़रूर बताइएगा, ऐसी वीडियो मैं इस चैनल पर डालते रहता हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अगर आपको पसंद आती है तो अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों ये था हमारे यहाँ पर दिन भर का काम, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आप भी पहाड़ों में, खासतौर पर मुक्तेश्वर पर, अपना कुछ कार्य करवाना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शाम हो चली है, मैं भी निकलता हूँ अब घर के लिए, तो घर जाके मिलते हैं। तो फाइनली दोस्तों घर पे पहुँच चुके हैं, और मेरे पीछे जला रहा है हरीश भाई आग, तो आग सेकते हैं, और पहले खूबसूरत मौसम दिखाता हूँ शाम के समय में। तो काम से तो हम पहुँच चुके हैं सभी भाई लोग घर पे, तो सामने आग जल रही है, फिर आपको दिखाता हूँ मैं। तो दोस्तों ये है शाम का व्यू जो घर से आ रहा है, अभी पूरा कोहरा छा गया है देखिए पहाड़ियों पर, ऊँची ऊँची घाटियों पर। हम लोग पहुँच चुके हैं घर काम से, और हरीश भाई यहाँ पर आग जला रहे हैं, आग जलाने की कोशिश कर रहे हैं, आग जल जाती है तो आग सेकते हैं, मस्त ठंडा हो रहा है, काफ़ी बढ़िया। तो दोस्तों आग धीरे धीरे जल रही है, तो आग सेकते हैं, ठंडा दूर भगाते हैं अपना। तो ये था हमारा दिन भर का ब्लॉग, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।